सुबह की जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है कि आप अपना नाश्ता मिस कर जाते हो या खाते ही नहीं। तो एक बारी आप ये अंडे पराठे की रेसिपी ट्राई करके देखना। इसे मैंने एक पराठे में भर कर फिलिंग डाली है, अंडा अच्छे से डाले हैं और गेहूं के आटे से बना है ये। और ये देखो आप, इसमें चीज देखो, ओए होए होए होए, ये नाश्ता सुबह सुबह खाने में मजा ही आ जाएगा आपको। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब अंडा पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा लगाना होगा। देखो, अगर मैंने आपको बोला था कि प्रेपरेशन पूरी हो, यानी कि घर में पहले ही आटा लगा हो, तो ये 5 मिनट में बन जाता है। अगर आपको आटा लगाना पड़े तब भी ये 15 मिनट में आराम से बन जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है और 2 कप आटा में आपने लगभग 1 कप पानी डालना होगा। बेसिकली आपने यहाँ पर एक रोटी का आटा लगाना है, नरम आटा लगाना है, सख्त आटा यहाँ पर बिल्कुल मत लगाना, नरम आटा ही लगाना है। तो पानी डालने के बाद आप आटे को अच्छे से मिला देना पानी के साथ। हम लोग आटा लगाते हुए एक गलती जो करते हैं वो ये है कि हम पानी के साथ आटे को छोड़ते नहीं है, रेस्टिंग पीरियड नहीं देते बिल्कुल भी। रेस्ट करना बहुत जरूरी है आटे को। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो आटा हमने गूंदा है उसकी सरफेस अभी स्मूद नहीं है, उसमें थोड़े क्रैक्स हैं। तो जब आप आटा अच्छे से मल लो, अच्छे से गूंद लो, फिर आप इस पे थोड़ा सा देसी घी लगाना 1 चम्मच के आसपास, ताकि जो इसकी सरफेस है वो चिपके बिल्कुल भी ना, स्मूथ हो जाए सरफेस। और इसको ढक कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना मिनिमम 10 मिनट के लिए। देखो, वैसे आधे घंटा तो बहुत बढ़िया टाइम है अगर आप रख पाओ, नहीं तो मिनिमम 10 मिनट भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, मुझे पता है कि अब आप लोग बोलोगे कि भरत भाई आप कौन सा आटा यूज़ करते हो। देखो, मैं यूज़ करता हूँ MP सिलेक्ट आटा, उसमें और उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो है सोया, चना, जौ, ज्वार, सारे मिलेट्स डलने चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप सिर्फ अगर गेहूं खाते हो तो गेहूं इनफ नहीं है, आपको आटे में ये सब चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी है। और आप ज़रूर डलवाना, हो सके तो आप चक्की से ही लेना आटा, फ्रेश पिसा हुआ। ये तो हो गई आटे की बात, अब देख लेते हैं हमें बाकी चीज़ें क्या करनी है। मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, टमाटर लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, प्याज लिए हैं और हरी मिर्च ली है। देखो, आप चाहो तो आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो, अच्छी से अच्छी सब्जियाँ डाल सकते हो इसको और हेल्दी बनाने के लिए। बस आप ध्यान ये रखना कि आपने सारी चीज़ें बहुत ही फाइनली चॉप करनी है, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ये सारी चीज़ें आप फाइनली चॉप कर लेना। अगर बाय चांस आप ये सोच रहे हो कि ये अंडे पराठे में हम सब्जियाँ ना डालें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, पराठा नहीं बन पाएगा। इस अंडे पराठे में सब्जियां डालने का बहुत मेजर रीज़न है, आप अपनी पसंद की और भी सब्जी डाल सकते हो, लेकिन इसमें सब्जी डालना ज़रूर, नहीं तो पराठा सही बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बस अब एक बोल में आप यहाँ पर अंडे डालकर पहले उनको थोड़ा सा फेंट लेना। ऐसा नहीं कि पहले नमक मिर्च डालना और फिर फेंटना, नहीं नहीं नहीं, पहले अंडों को फेंट लेना, नहीं तो सारी चीज़ें अच्छे से मिलती नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है टाटा संपन्न की रेड चिली पाउडर का। ये खास प्राकृतिक तेलों से भरी हुई लाल मिर्च है जो सच में खाने का स्वाद बहुत बढ़ा देती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाला है, ध्यान रहे नमक थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि आटे में बिल्कुल भी नमक नहीं है, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। फिर आप यहाँ पर भर कर थोड़ा दिल खोल कर यहाँ पर डालना प्याज, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च, और इसको आप फेंट लेना। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि भरत भाई इसमें तो सब्जियां ज्यादा हो गई, अंडा कम लग रहा है, थोड़ा सब्जियों से ज्यादा भरा हुआ लग रहा है, और अभी आप आगे देखना कि ऐसा क्यों है। ओके, अब 10 मिनट हो गए हैं, हम अपने आटे को भी देख लेते हैं। तो अब आप नोटिस करोगे कि आटे में हल्की सी लचक भी आ गई होगी, थोड़ा नरम तो होगा ही, लेकिन आप देख सकते हो कि कैसे एक साथ जुड़ रहा है और एकदम स्मूद है आटा। आटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, देखो तभी फुलके अच्छे बनते हैं, तभी पराठे भी अच्छे बनते हैं। जब आटे में थोड़ी सी लचक होती है ना, तो उसका रिजल्ट ही कुछ और आता है। खैर, अब थोड़ा एक पेड़ा लेना, उसमें थोड़ा सा सूखा आटा आपने लगाना है और उसको हल्के हाथों से आप बेल लेना। फुलका बेलने की या रोटी बेलने की टेक्निक ये है कि मैं प्रेशर जो है एक साइड पे डालता हूँ, मैं बीचों बीच प्रेशर नहीं डालता, एक साइड पे डालता हूँ और हल्के हाथ से बेलता हूँ। उससे होता यह है कि रोटी अपने आप थोड़ी थोड़ी घूमने लग जाती है, जब घूमने लगती है तो इवनली सारी तरफ फैल जाती है और बिल्कुल गोल बनकर आती है। अच्छा, ऐसे ही आपने एक दूसरा पेड़ा लेकर भी उसकी रोटी बेल लेनी है, यानी कि आपने 2 रोटियां बेल ली है। कोशिश आप ये करना कि दोनों रोटियों का साइज इक्वल ही हो,
कोशिश यही करना। देखो अगर आपसे इक्वल मिल नहीं पाती या आपसे गोल नहीं मिल पाती तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे एक प्लेट ले लेना, प्लेट से काट लेना तो एकदम इवन हो जाएगी। कोशिश बस ये करना कि जितना इक्वल आप कर सकते हो उतना इक्वल रखना। उससे होगा ये कि जो साइड्स होंगी ना वो बहुत मोटी नहीं बनेंगी, पतली पतली साइड्स बनेंगी और अंडे से भरा हुआ पराठा बना पाएंगे। तो कोशिश करना आप इक्वल से इक्वल बेलने की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसमें एक फ्लैट तवा यूज मत करना या नॉनस्टिक पैन यूज मत करना जो कि फ्लैट होते हैं। कोशिश करना वो जो फुलको वाला तवा होता है ना आयरन का, वो ही यूज करना। वो बीच में से हल्का सा गहरा होता है, मतलब उसका डिजाइन ऐसे होता है जिस वजह से अंडा पराठा बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा आपको बनाना, बहुत सिंपल हो जाएगा और आप बहुत आराम से बना पाओगे। अगर फ्लैट होगा तो अंडा आप डालोगे, अंडा साइड में फैल जाएगा तो फिर आप बोलोगे ये तो सही से बना ही नहीं। फिर बस क्या, सीधा आपने तवे पे रोटी को रखना है। ध्यान रहे लो फ्लेम पर कुकिंग करनी है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत करना। रोटी को रखना आप तवे पे, थोड़ी देर तक पकने देना है इसको, 10 सेकेंड्स तक। फिर आप इसमें अंडा डाल देना। अब हम यहाँ पर तवे का बेनिफिट ले रहे हैं। तवा देखो बीच में से हल्का सा गहरा होता है और साइडों से उठा हुआ होता है, तो जब हम इसमें अंडा डालेंगे तो अंडा बीचों बीच रुक जाएगा। एक बेनिफिट और है जो मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था, वो है सब्जियों का। सब्जियां जो है वो अंडे को ज्यादा फैलने नहीं देगी, जिस वजह से आपका अंडा बाहर नहीं आएगा, है ना, बहुत कमाल की बात है। तो सब्जियों का बेनिफिट भी आप ले रहे हो, अंडा भी है, और हाँ इसमें थोड़ा सा यार चीज भी डाल देना जिससे थोड़ा सा हैवी बन जाएगा। आप चाहो तो आप प्रोसेस चीज यूज कर सकते हो, मैं मोचरेला चीज यूज कर रहा हूँ। बस अब आपने ये करना है कि इसको सीधा ही दूसरी जो रोटी हमने बेली थी उससे कवर कर देना, बिल्कुल ऐसे। आराम से हो जाएगा ये। और ताकि इससे अंडा बाहर ना आए, मैंने ये किया है कि इसकी जो एजेस है उनको सील कर दिया है। ये करने से अंडे के बाहर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। खैर अब आप इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना, आप चाहो तो आप देसी घी भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ और ऑयल से ये होगा कि जो टेम्परेचर है तवे का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अंडा जल्दी से पकेगा। और हाँ, फिर आप इसको ढक देना और ढकने के बाद आपने इसको 2-3 मिनट्स पकाना है लो फ्लेम पे। अब 2-3 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो कि अंडा अंदर से फूलने लग गया है। इसकी आप थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश कलर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा। तो टाइम हो गया इसको पलटने का। पलट कर आप साइड से प्रेस करना इसको, सेंटर में मत कर देना क्योंकि अगर हल्का सा भी कच्चा अंडा होगा तो बाहर आ जाएगा। साइड से ही इसको प्रेस करना और हाँ थोड़ा सा और तेल लगा लेना ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पकता है। अब क्या होगा कि जो पराठा है ये सेंटर से ही जल्दी पकेगा क्योंकि सेंटर में अंडा है और चीज है, वो फूलेगा। तो आप इसको साइड से बार बार प्रेस करके पकाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पराठे के जो साइड्स हैं वो कच्चे रह जाएं। और बस फिर आप 1 मिनट में ही दूसरी साइड पे भी पलट लेना और हमारा अंडा पराठा बनकर लगभग पूरा तैयार है। बस इसको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाना है, सेंटर से प्रेस नहीं करना, साइडों से ही प्रेस करना है। और अब आप जल्दी पकाने के लिए फ्लेम को हाई भी कर सकते हो। और बस थोड़ी ही देर में आपका अंडा पराठा बनकर भी पूरा तैयार है। और अब ये देखो आप, है ना, एकदम क्रिस्प बढ़िया पराठा। रुको मैं आपको दिखाता हूँ फोक से, है ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा। अब काट भी देते हैं इसको और चीजीनेस तो दिखा दें। अरे वाह। हाँ लेकिन एक चीज आप जरूर देख लो इस पराठे में कि मैंने इसको इक्वल बेला था, तो ऐसा नहीं है कि जो इसकी एजेस हैं वो मोटे हैं, वो पतले हैं। अंडा कहीं से बाहर भी नहीं आया और एजेस भी पतले हैं, यानी कि आटा आटा भी फील नहीं होगा। तो एकदम फुल ऑफ फ्लेवर पराठा है ये, अंडे से भरा हुआ और चीज से भरा हुआ। आप इसको ब्रेकफास्ट में जरूर खाना, आपको बहुत पसंद आएगा ये।